ये कहाँ से लेकर आए हो? ऑनलाइन मंगाए ना? ऑनलाइन जुड़ी मंगाए और दोस्त नंबर कड़ी इतला तो सुना है भी बाल कौन नहीं होता इतला भी तेज ना करो हलो सब पेमेंट तेरा तू जड़ा लगता तेरा मैडम मलिंगा मलिंगा ना शाइन चापरी दी फाट बजी जी नहीं है सानी बंद कर हम कहीं पकड़ कर आज ये भी हो जाए अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो हम जा रहे हैं अभी हैदराबाद से आगे टंडो अल्याहार। तो वहाँ पे है मेरे कज़न की शादी चचा के बेटे की। तो हैदराबाद में थोड़ा सा स्टे किया था चाय के लिए। यहाँ पे हम चाय पी रहे क्योंकि शाम का टाइम था और चाय का टाइम होता है मेरा तो घर पे, लेकिन हम निकल आए थे जल्दी जल्दी तो हमने कहा ठंडा ठंडा मौसम है फिर चाय भी पी लेते हैं। और जो मेरे साथ मेरे हसनैन है ना वो चाय और केक के बड़े हैं शौकीन। चाय पीने के फौरन बाद ही हम सफ़र के लिए निकल चुके थे। इतना कोई दूर तो नहीं है, करीब ही है। बस 3.5 घंटे ही लगे थे हमें रास्ते में। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके टंडो अल्याहार। ये है टंडो अल्याहार का शहर छोटा। हमने बड़ा बचपन गुजारा है यहाँ हमारे चाचा के साथ। तो जब हम छोटे होते थे तो मेरे चाचा की जब शादी नहीं हुई थी तो हम बहुत रहते थे। जब उसकी शादी हो गई तो फिर बस फिर उसके अपने बच्चे। खालिद के रूम की सेटिंग हो रही है जी भाई। छोटी चीजें ला। हाँ जी खालिद का दहेज निकल रहा है अभी सेट लगाने के लिए। हाँ जी हम सारा जो है ना अभी हम पहुंचे घर में, कोई लड़की नहीं है तो सामान वगैरह ऐसा था। ये बेडरूम है, ये सही बैठे हुए, अभी हमने इस पे कब्जा कर लिया कल तक। तो अभी हम इस पे हर चीज सेट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह वाजा सी। अभी जो है ना इसको सेट करते हैं। ये भी मिला है खालिद को, ये लोटा लोटा स्टील का लोटा मिला है। बहुत गत्ते कर रहा हूं ना। हां ये था गड्डा दी ये सेट रख हेट ले पीछे जावा केड़े हल ही कड़े गड्डू पर खबर पोए ना केच के आए तमानो अभी यहाँ पे हो रही है बारिश। देखो बहुत अच्छा मौसम है टंडो अल्याहार का। अल्याहार सामने शॉप। तो इन लोगों ने भी ना इस तरह पौधे लेके रखे थे, लेकिन इनको हल्की जो है ना छांव चाहिए होती है, हल्की धूप। ज़्यादा धूप हो तो ये जल जाते हैं और ज़्यादा छांव हो तो भी जल जाते हैं। तो पेटी जो लड़की को दुल्हन में दहेज में मिली थी ना बहुत ही पसंद आई है मुझे। हमारे गाँव में बिल्कुल ऐसी होती हैं, मजबूत शीट अच्छी। और ये जो फर्नीचर था ना ये भी लड़की के दहेज का था। अभी तो दुल्हन आई नहीं तो हम उसके रूम पे कब्जा करके बैठे हैं क्योंकि उसका रूम ऊपर था तो थोड़ा जो है ना खामोशी थी तो हम साइड पे रुक गए वहाँ पे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रूम है। अभी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डेक्योर करेगी जब आएगी जो है ना। ये दुल्हन के सारे कपड़े हैं जो मेरे कज़न ने खुद लेके रखे हैं अपनी तरफ से। तो अभी उसने खुद शॉपिंग की है अकेले ने, शायद उसकी खाला ने भी करवाई है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उसने खुद की है। तो लड़कों को इतना चीज़ों का पता नहीं चलता होता, लेकिन फिर भी अच्छी कर ली है। लेकिन इसको बहुत ही महंगी मिली हैं चीज़ें, इसको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ गए हैं कपड़े। जहाँ अभी हम भाई के लिए घूमे हैं ना तो हमें रेट बहुत पता है चीज़ों के, कपड़ों के, क्योंकि हमने बहुत मार्केटें विज़िट की थी तो हमें जो है ना कपड़ों का इतना अंदाज़ा हो गया है कि क्या कीमत है। तो जो है ना यहाँ पे टंडो अल्याहार में तो इनको बहुत ही महंगे मिले हैं कपड़े। हमारे कराची में जिसकी जो है ना प्राइस 10 है तो यहाँ पे उसकी 30 प्राइस है। इतना मतलब फ़र्क है, जो हमारे कराची में आपको 5 का मिलेगा तो यहाँ पे 15-20 का मिलेगा। मतलब इतने महंगे हैं यहाँ पे कपड़े। और ये दुल्हन के अभी कुछ बर्तन हमने निकाले थे वो चीनी के थे, कुछ ऐसे थे कि कुछ अभी उसके जो है ना हमने नहीं लगाए क्योंकि नीचे पड़े हुए थे तो कोई लेने नहीं जा रहा था। जो हमें मिले हमने लगा दिए। मुझे जो है ना फर्नीचर इसका बहुत पसंद आया है, बहुत ज़्यादा। इस तरह की सिंपल लकड़ी वाले जो फर्नीचर होते हैं ना बहुत चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं रूम में। इतना खूबसूरत लग रहा था रूम, बिल्कुल डिसेंट सा ना। लेकिन जब मेहमान आए ना उनके लिए मैं कहती हूँ इस तरह का रूम रखना चाहिए ताकि आपके फर्नीचर जल्दी ख़राब नहीं होते ना। गेस्ट जैसे रूम बनाया जाता है
इस महंगाई के दौर में बेटी को दहेज देना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। ये यहाँ पे तैयार हो रही है। बूट पा गया इनको ना देखिए। यहाँ पे मैं वॉलेट दिखा रही थी मेरी भाभी को कि आपका भी ऐसा सेम है, उसको मंगनी में हमने इस तरह का गिफ्ट किया था, तो मैं दिखा रही थी। मेरे कज़न ने अच्छी चीज़ें की है, लड़का होके उसने फर्स्ट टाइम शॉपिंग की है, बहुत ही अच्छे से की है, लेकिन उसको बहुत महंगी पड़ी है। मैंने उसको बोला था आप बताना हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। दुल्हे मियाँ यहाँ पर तैयार हो रहे हैं अभी, और ये है मेरा ड्रेस फाइनल लुक। मैं अपनी शूज़ की जो है ना शॉपर वहीं पे घर पे ही भूल के आ गई थी। जब मैं यहाँ पे पहुँचने वाली थी तो मेरी बहन ने कहा कि जूते तो यहाँ पे भूल गई हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, वैसे भी इतनी तेज़ बारिश है, तो ये मेरा फुल लुक दिखा रही है मेरी भाभी। इतनी जल्दी जल्दी मैं ये भी वीडियो बनाई थी, अभी मैं आपको इसका दिखाऊँगी। ये देखें बहुत प्यारी लग रही है, सही है। नेल पेंट लगेगी? हाँ जी, अभी नेल पॉलिश लगानी है। पॉलिश भी बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। चलो आ जाए। अभी यहाँ पे दूल्हे की बारात निकल रही है तो सब वेट कर रहे हैं। गली में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बारिश भी साथ साथ चल रही है। ये देखें यहाँ पे बच्चे बच्चे तो इकट्ठे ही हो जाते हैं देखने के लिए दूल्हा दुल्हन को। इतने बच्चे हैं, इतनी बारात लोग नहीं है, इतने के बच्चे। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा भाई हीरो, माशाल्लाह माशाल्लाह से लोग सब मेरे भाई को ही देख रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए। और यहाँ पे हमारी गाड़ी बहुत ही दूर खड़ी हुई थी क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी हैं ना, तो बहुत जाना मुश्किल होता है। हमारी किस्मत में पता नहीं क्यों गलियां छोटी हैं, घर भले कितने अच्छे हो ना, मेरी भी वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, मतलब मुश्किल से जाती है। चाचा की भी ऐसा है सेम, और वो जा रही सामने दूल्हे की गाड़ी, हम साथ लगाते हैं गाड़ियाँ, फिर अलग हो जाती क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा, तो सुबह का टाइम था ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, हम गाड़ी साथ लगाते थे और फिर हमारी गाड़ी अलग हो जाती थी। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा था ना, ऐसे मतलब जैसे तेज़ बारिश भी हो रही थी, सर्दी थी भी बहुत, लेकिन फिर जैसे कि जैकेट और शॉल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, जैसे मरी वाला मौसम होता ना, एकदम मरी वाला मौसम, बहुत खूबसूरत हसीन तरीन मौसम था। 10 मिनट के फासले पे था हॉल, अभी हम पहुँच चुके हैं। और सामने ये देखें दूल्हे की गाड़ी है और सब यहाँ पे झूमर लगा रहे हैं अभी। और यहाँ पे मेरा भाई गाड़ी से उतरते हुए, और बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के आ गए दूल्हे की गाड़ी की आवाज़ सुन के। ये देखिए इतने इकट्ठे हो गए, ये हमारी बारात में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से नाचने के लिए आ गए बच्चे इतने सारे, के इतनी बारात नहीं है जितने के यहाँ से बच्चे हुए। हॉल लड़की औरतों का अलग था और मर्दों का अलग था, मर्दों का दूसरी साइड था और औरतों का। की एंट्री हो रही है, उसके बाबा तो हैं नहीं यहाँ पे, मैंने पता नहीं कैसे कंट्रोल किया था, बस मुझे चाचा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, बहुत ज्यादा। भाई इतनी कोई लड़ाई की है ना दुल्हन वालों ने, पैसों पे जो दूध पिलाई जो रस्म होती है, कहते 50,000 से कम लेंगे नहीं। भाई ये चीज़ें पहले डिसाइड होती हैं कि जो है ना दूल्हा जो हैसियत है अपनी उस हिसाब से देगा, ना कि आपको 50,000। जो उस बेचारे की हैसियत है उसका तो बाप भी नहीं होती, इतनी मुश्किल से शादी की है। और आप लोगों ने अपनी बेटी देखभाल के दिया, हर चीज़ का पता है आपको, और आप एंड टाइम पे इस तरह के झगड़े करके तो कोई फ़ायदा होता नहीं। इतना बड़ा इन लोगों ने गंद मचाया, कहते हैं 50,000 से कम तो हमने लेना ही नहीं है। इन लोगों ने पैसे फेंक मुंह पे मारे, इन लोगों ने कहा हमने लेने ही नहीं है 50,000 से, इतने बड़ा कोई इन लोगों ने झगड़ा किया। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे झगड़े शुगड़े करके बात बना के फिर जो है ना जैसे तैसे करके जो है ना मसले को ठीक करके निकल आए थे। फिर यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मेरे भाई की शादी हुई थी माशाल्लाह माशाल्लाह से, दोनों तरफ से हमें
इतने अच्छे थे, मतलब वो लोग हम हैं किसी बात पे भी जो है ना, हमारी शादी से लेकर ये शॉपिंग की हुई किसी बात पे भी हमारी नाराज़गी कोई चीज़ नहीं हुई, हर चीज़ में ओके था, दोनों तरफ से हमारी इतनी सी भी बात नहीं हुई थी। वरना मैं देखती हूँ ब्राइडल के ड्रेसों पे मतलब कहीं ना कहीं तरफ से ना छोटे मोटी चीज़ें झगड़े झगड़े चलते रहते हैं, बहुत चलते हैं। हमारे चचा की शादी हुई थी, बहुत सारी कज़नों की शादियाँ देखी हैं भाई, अपने में भी हो जाता है। लेकिन नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई की डेट फिक्स से लेकर होल से लेकर शॉपिंग से लेकर एंड तक जो है ना इतनी सी भी बात नहीं हुई थी। सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह से पहले ही हमने बैठ के डिसाइड किया था कि ये चीज़ें ऐसी होंगी। तो ये है मेरे चाचा का घर जहाँ पे शादी हो के आई है, बाहर जो है डांस चांस चल रही है और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और बस फिर आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।